हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है मेरी, वो एक बहुत सुंदर सी प्लांट की है, फ्लोवर की, और बहुत ही प्यारा सा है, गुलाब से कम नहीं है। ये मैं आज दिखाती हूँ आपको कौन सा है। ये अजेलिया है, अजेलिया प्लांट फ्लोवर। देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा है। और एक मेरे पास ये कलर और एक मेरे पास ये कलर, और मैं आपको आज इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ये मैंने दो प्लांट खरीदे थे, एक तो पहले खरीदा था, ये हो गए होंगे इसको एक दो महीना हो गया होगा, और एक मैंने अभी फिलहाल में ही खरीदा है। ये देखो इस पे वाइट कितना बड़ा फ्लोवर है। और जब भी आप प्लांट लें अजेलिया का, ये विंटर में ही आते हैं, तो अभी इस समय इसका सीजन है और ये फ्लावरिंग पे है। और तब आप जैसे प्लांट लेते हो इसका, तो इसको जो ये जैसे देखो दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग में भी आता है और ये शॉर्ट में भी होता है, और इसकी बड भी ऐसी होती है, छोटी भी आती है और बड़ भी। अगर आप बड़ा फ्लोवर पसंद करते हो, ये देखो बड़ा फ्लोवर है और ये छोटा है थोड़ा सा। और ये देखो ये बड्स जो होती है, अगर बड़ा फ्लोवर लेना तो ये बड्स बड़ी होती है, मोटी होती है इनकी, ये देखो। और इसकी जो थोड़ा ये मीडियम है, तो इसकी थोड़ा आपको छोटी दिखाई देंगी इस तरह की। और अगर आपको बड़ा लेना है तो ये मोटी वाला, ये बड़ वाला लेना। अगर ये इस तरह का लेना है तो ये इस, ये छोटा वाला लेना। अजेलिया प्लांट जो चलता है वो ठंड में चलता है। ये पहाड़ों का प्लांट है जो पहाड़ में अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा एरिया रहता है, तो ये वहाँ पे करता है। तो ये वहाँ 12 महीने फूल देता है, थोड़े बहुत दिन नहीं देता, नहीं तो ये 12 महीने का होता है। ये परमानेंट प्लांट है और ये चल तो यहाँ भी जाता है, जहाँ गर्मी और ये ठंड और दोनों जो है सीजन होते हैं जैसे, तो ये चल तो जाता है। मगर इसको हमें बचाना जो है, कैसे बचाना, कैसे सोयल, अगर इसकी सोयल इसके हिसाब से हम देंगे तब तो ये बच जाएगा, और इसके हिसाब से हम इसको तापमान भी वैसा ही देंगे तब ये बच सकता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये अगर इसकी आप सोयल लेंगे, पहले तो सबसे ऊपर है सोयल के ऊपर, अगर हम इसकी सोयल इसके हिसाब से देंगे तो ये पेड़ हमारा अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये वेल डन सोयल बनती है इसकी, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस चीज़ में लगाना है। इसे जो पसंद है ये वेल ड्रेन सोयल पसंद है, और ये जो लीफ कंपोज होता है, इसे सबसे ज़्यादा लीफ कंपोज पसंद होता है। वो हल्का होता है, एकदम हल्का सा। जब भी आप जैसे मार्केट से या नर्सरी से लाते हो, आप कहीं से भी प्लांट तो बाय करने वाले हो या कर रहे हो, तो पता कैसा करना चाहिए। ये जो प्लांट होता है, ये अगर आपको ये हल्का लगे इस तरह का, ये थैली बहुत हल्की है, ये जो ग्रो बैग है, जो ये ग्रो बैग में, इसमें देखो ये कितना हल्का है, क्योंकि इसमें टोटल इसमें ये लीफ कंपोज है, ये इसी वजह से है, ये पूरा लीफ कंपोज है। और इसमें ये भारी है, ये भारी है, इसमें मिट्टी ज़्यादा है, इसमें लीफ कंपोज और ये वर्मी कंपोज ये कम है। तो हमें कैसा, ये अभी तो चल रहा है, बाई चांस हम इसको इसी में छोड़ देंगे तो ये बाद में जब गर्मी आएगी ना, तो ये जो है ये मरना शुरू हो जाएगा, पत्ते गिराना शुरू कर देगा, पीले कर देगा और ये खराब हो जाएगा। अगर हम इसका ये सोयल ये वाला लेते हैं, इस तरह का हल्का वाला, तो ये अच्छा रहता है। बस ये इसका लेते समय हमें ध्यान रखना है, तो इस तरह का हल्का वाला ले। और ये भारी वाला है, तो अगर बाई चांस आपने भारी वाला ये ले भी लिया मिट्टी, ये ठोस वाला, तो उसको आपको क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है, और उसको पानी में, इसको निकाल के पानी में डाल दो, और इसकी सारी मिट्टी जो है ये घुल जाएगी। अगर आप इसको, बस इसको कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, पानी में इसको डाल के आराम से निकल जाए, क्योंकि इसकी जो वो होती है, ये जो जड़ होती है इसकी रूट्स, वो बहुत नाजुक होती है, तो उसको आराम से जब मिट्टी घुल जाए तो आराम से फिर इसके हिसाब से हमें कंपोज देना है। तो अब मैं आपको जो है इसकी जो सोयल कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, इसकी सोयल जो है हमें वेल ड्रेन रखनी है, उसके लिए हमें ये लीफ कंपोज चाहिए। ये कम से कम 50% तो होनी ही जरूरी है, मैं इसे 70% दूंगी। और ये मेरा किचन वेस्ट है, इसको ये मैं दूंगी, ये भी 10% से कम नहीं है इसको ये। और इसमें नारियल का बुरादा या आपके पास राइस हस्क है वो दीजिए, और एक पार्ट इसमें रेत का रखिए, और एक पार्ट 10% जो है ये सोयल रखिए, 10% ये सारा रखना है, और बाकी ये आपने 70% रखना है लीफ कंपोज। और ये इसको ये
ह्यूमिडिटी बनने के लिए, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो इसमें हम कैल्शियम भी डालेंगे एक मुट्ठी, और इस ये नीम खली भी डालेंगे ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। और आपके पास अगर फंगिसाइड है तो डाल दीजिए थोड़ा, नहीं तो उसको अवॉइड कर दीजिए। और इसकी ये सोयल इतना अच्छी बन जाएगी, अगर आप इसको इस सोयल को डालते हैं तो ये आपका पेड़ खराब नहीं होगा और ये आपके गार्डन में हमेशा ये बना रहेगा। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखो कितनी हल्की, इसका वेट देखो कितना हल्का हो गया है। इसको इस तरह की इसको सोयल देनी है हमने, और इसको तो मैं अभी पानी में, गमले सहित पानी में रख दूँगी। ये देखो मैंने पानी भरा हुआ है, इसके अंदर रख दूँगी तो इसकी मिट्टी सारी ये निकल जाएगी। धीरे से इसको अभी पानी डाले है इसमें। ये देखिए मैंने इस छोटी सी बॉकेट में इसको डाल दिया है, पूरा गमले सहित डाल दिया। तो अब इसकी कुछ मिनट में, इसकी थोड़ा 15-20 मिनट में सारी मिट्टी घुल जाएगी और फिर मैं इसको निकाल दूँगी और फिर इसको रिपोर्ट करूँगी। और इतने में इसको रिपोर्ट कर लेती हूँ। गमला जो हम इसे देंगे तो हम अपने प्लांट के हिसाब से देंगे, अगर हमारा बड़ा है प्लांट तो थोड़ा बड़ा देंगे, वैसे इसका ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं आता है, और अगर छोटा है तो हिसाब से देंगे, क्योंकि मैं इतना 6 इंच का गमला इसको काफ़ी होगा इतने बड़े प्लांट को, और मैं इसको 6 इंच को देंगी। और इसमें जो है ड्रेन होल जो होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए ताकि इसमें पानी ना रुके, नहीं तो आप प्लांट ख़राब हो जाता है। और अब मैं इसमें ये थोड़े से, या तो आपके पास इसमें ये पानी जैसे निकल जाए, मिट्टी ना निकले हमारी सोयल, तो उसके लिए या तो आपके पास कोई टुकड़े हो गमले के टूटे, या नारियल का वो जो टुकड़े होते हैं वो डाल दीजिए, या इस तरह के पत्थर स्टोन इसको इसके छेद के ऊपर रख दीजिए। इसमें अब सोयल भर देंगे अपने प्लांट के हिसाब से, इसमें सोयल डालेंगे फिर प्लांट को रख के देखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा दबा देती हूँ, इसको सोयल को हल्का सा प्रेस कर देते हैं जिससे इसमें एयर ना जाए। अब इसको इसमें प्लांट को रख के देखती हूँ, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ये इस हिसाब से, बिल्कुल इसके सही है। अब इसे मैं खोल के इसमें रख दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला प्लांट हमारा पूरा इसमें लीफ कंपोज है, देखो लीफ साफ दिखाई दे रही है इसमें पत्तों की, और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, इसको बीच में सेंटर में इसको ऐसे रख दूंगी, बस इसके चारों तरफ से मैं इसको इसमें, अब इसमें मिट्टी डाल दूंगी। चलिए अब इसकी मिट्टी तो घुल गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसकी मिट्टी तो निकल चुकी है, बस इसमें खाली ये लीफ कंपोज रह गया है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, इसको मैं अब ऐसे ही लगा दूंगी, इसको नहीं छेड़ूंगी। अब इसके अंदर मैं इसको ये वाला दूंगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है इसकी ज़्यादा है, और ये मेरा पुराना प्लांट है तो, और इसका ये जो ज़्यादा है इसमें ये रूट्स जो है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा दूंगी, क्योंकि उसी के हिसाब से देना चाहिए, गमला प्लांट के हिसाब से देना चाहिए। अगर हमारा प्लांट बड़ा है तो हमें बड़ा गमला देना चाहिए। अब मैं इसमें इसको आराम से इसमें ये बीच में रख दिया मैंने, और इसको मिट्टी फिल कर देती हूँ इसमें, यहाँ तक जहाँ तक ये ऊपर तक, ये यहाँ तक करूँगी मैं, ये जहाँ तक ये निशान है इसके ऊपर तक, और इसको हल्के हल्के हाथों से इसे हमें दबाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए दोनों को मैंने इन्हें गमलों में लगा दिया है, तोड़ दे दिया, और अब मैं इसमें तो मैंने पानी डाल दिया है, और देखो ये नीचे से इसमें सोयल अच्छी थी, तो देखो ये जो है बेल ड्रेन सोयल है ना, तो इसमें पानी निकल के बाहर आएगा, और इसमें मैं आपके सामने डालूंगी। देखो इसमें पूरा पानी डालेंगे, जब पहली बार पानी डालते हैं तो इतना पानी डालें कि जिससे ये नीचे आ जाए ड्रेन होल से, और ये जो है अपनी जगह बना लेती है, इसकी जो रूट्स होती हैं अगर हम पानी ज़्यादा डालते हैं पहली बार तो ये रूट्स जो है सोयल में अपनी जगह तैयार कर लेती है, और फिर ये अच्छे से चलती है। ये देखो पूरा पानी इसने सोख लिया, अभी और डाल दिया मैंने, अब ये नीचे से ये देखो पानी नीचे से निकलने लगा, अब ये पूरा पानी सोख लेगा और नीचे चला जाएगा, तो ये समझो बेल ड्रेन सोयल है। अब इसे हमने गर्मियों में कैसे बचाना है मैं इसके बारे में और बताती हूँ। इसे गर्मियों में ऐसी जगह रखना है
जहाँ आपका सबसे ठंडा एरिया हो, और या तो जैसे आपके कूलर चलते हो जहाँ पे, और लाइट भी ब्राइट लाइट हो, या पेड़ की काफ़ी बड़े पेड़ हो और उसकी ठंडक में इसे रखना है, और इसे शेडी एरिया में ही रखना है, और तब ये बच पाएगा। और इसी जो गर्मी आती है मई जून की, ये उस समय इसको ये ह्यूमिडिटी ज़रूरी है बनाने इसकी, उस समय पानी इसको दो बार दीजिए और इसको सूखने मत दीजिए, तो ये अच्छा चलता रहेगा। और बरसात में तो ह्यूमिडिटी रहती है तो इसलिए ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर ये हमारा ऊपर की लेयर ये सूख जाती है तो इसको पानी गर्मी में दो बार दीजिए, तो ये हमारा प्लांट चलता रहेगा। और ये सर्दी में तो ये चलता रहता है, इसे आप धूप भी दे सकते हैं, धूप में रख सकते हैं 3-4 घंटा, तो ये आराम से चल जाते हैं। और ये रिपोर्टिंग भी होगी इसकी, ये देखिए, और इसको ये देखो, ये भी निकल चुका है, ये भी हो गया, ये पूरा लग के तैयार हो गया है। अच्छा, गर्मी में बचाने के लिए इसी अजेलिया के प्लांट को आप जब गर्मी ज़्यादा होगी मार्च अप्रैल के बाद, तो इसमें ऊपर से इसको कोकोपीट या धान की भूसी या लकड़ी का टुकड़े होते हैं उनको इससे पूरा कवर कर दीजिए, और इससे क्या होगा, नमी बनी रहेगी, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, उससे भी हमारा प्लांट जो है ये बचा रहेगा। बस ये ज़रूरी होते हैं इसके केयर टिप्स, और पानी का ध्यान रखना है, और बाकी ये हमारा अच्छे से चलता रहेगा। अब लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इनको शेडी एरिया देंगे, 2 दिन ठंड में 2 दिन चलेगा, अगर गर्मी में लगाते हैं तो कम से कम 4-5 दिन, तो उसमें तो गर्मी में तो वैसे भी शेडी एरिया में ही रखते हैं, तो इसको जो है अब 2 दिन में इसको बिल्कुल छायादार जगह में रखूँगी, अब फिर इसको 4-5 घंटे की धूप में रखूँगी।